हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आपकी पढ़ाई अब अच्छे से चलनी चाहिए। अगर अब भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 स्टार्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर अगस्त लास्ट में भी शुरू होते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 अगस्त तक करंट अफेयर्स पे कमांड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको पता ही है कि हम लोग जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स भी रिवाइज़ करते हैं विथ मैप। मैप के साथ पढ़ने का फ़ायदा है कि आपको चीज़ें जल्दी याद आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, डेली क्विज चल रही हैं टेलीग्राम पे। एक अलग ओपन क्विज ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप जो क्वेश्चन चाहे पूछ सकते हैं, जो चाहे क्वेश्चन वो बता सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जितने लोग चाहें जैसे जैसे आप इमेज के साथ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आप देरी मत करिए, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम फेसबुक सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लूसेंट की भी रिवीजन सीरीज चल रही है। आई बटन पे दबा के आपको रिसेंट के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अब देर मत करो, चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। भारत ने किस देश के साथ व्यापार करने का मार्ग खोल दिया है? दरअसल ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है? ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। छात्रों के लिए मनु दर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? अब ये मनु दर्पण पहल है क्या, तो ध्यान दीजिए। मनु दर्पण पहल स्टूडेंट्स के आसानी के लिए एक कैंपेन चलाया गया है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो क्या हैं, हमारे HRD मिनिस्टर हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसका मतलब शिक्षा मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है? प्रकाश जावड़ेकर एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। और ये स्मृति ईरानी कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके अंतर्गत है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, जो मैं कमेंट कहता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लाइव अगर देख रहे हो तो लाइव आप कमेंट करो, अदरवाइज़ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए बस सारा चीज़। मेरा बस एक ही प्रयास है कि आपको सारे फैक्ट याद हों। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा स्टार्टेड इन चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू एंड न्यू दिल्ली। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा ये स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं बताऊँगा उसे आप लोग याद कर लो अच्छे से। नई दिल्ली जो है, इसे सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो एक तोमर राजवंश होता है। क्या नाम है? तोमर राजवंश। इन्होंने ही सबसे पहले इसको राजधानी बनाया और इन्होंने नाम दिया था ढिल्ली का, ठीक है? नेक्स्ट फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, चूँकि ये करंट अफेयर्स दोनों ही भाषाओं में है इसलिए आपको फोकस करना होगा मैप पे। चलिए, ये है दिल्ली। दिल्ली के मैप को ज़रा ध्यान से देखिए। दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से। आपने एक वर्ड सुना होगा NCR, क्या आप जानते हैं NCR में कितने स्टेट हैं? तो आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब का थोड़ा सा इलाका यहाँ कनेक्ट करके NCR का रीजन बनाते हैं। लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो तीन ही स्टेट हैं, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है? और इसको NCR एक तरीके से ये सेफ जोन बनाता है, ठीक है? हर तरीके से सिक्योरिटी रीजन से, आपको पता ही है दिल्ली पे कितने सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह रहते हैं। तो न्यू दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है? तो आपने बंग भंग आंदोलन 1905 में सुना होगा, और इस आंदोलन के बाद बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके बाद बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया। तो अब क्या होता है कि जॉर्ज पंचम आते हैं 1911 में, ठीक है? और वहीं दिल्ली को नई राजधानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो दिल्ली नई राजधानी के रूप में कार्यरत हो जाती है उसके बाद से, ओके? तो आपको ये ईयर याद रखना है। तो इतने सारे फैक्ट्स हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सब कुछ मैं रिविज़न कराऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो, उनका नाम क्या है? अनिल बैजल, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में न्यू दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले जितने भी सरकारी सेवाएं होती हैं उनको डोर स्टेप पे देने के लिए कैंपेन और स्कीम भी शुरू किया था, मामूली से फ़ी पे। मतलब 50 रुपये फ़ी दीजिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड जो भी बनवाना है आपके घर पे आके वो बनाने की सारी स्कीम देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी प्लेस इन ट्विटर फॉलोअर, तो अब देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं 6 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं और ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके पहले मैंने एक आपको न्यूज़ बताया होगा जिसमें व्हाइट हाउस के द्वारा ओनली वन किसी अगर वर्ल्ड लीडर को फॉलो किया गया तो वो यहीं थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और बाद में ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि फिर इन्हें डिसफॉलो भी कर दिया गया था। तो अब आपके सामने जो मैं रिवीजन के लिए रख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज उनके फाउंडिंग, इनमें से जो भी मैं टिक लगाऊंगा उसे ज़रूर याद करना दोस्तों, बहुत जगह पूछा जाता है। देखिए गूगल की फाउंडिंग हुई थी 1998 में, ठीक है। यूट्यूब 2005 में जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, अच्छा इंस्टाग्राम बहुत लोग यूज़ करते होंगे, मेरा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये है 2010 में। अब आते हैं 2009 में व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप सारे लोग यूज़ करते हैं तो 2009 में। इसके बाद आपको एप्पल का याद करना है, 1976 कब हुआ था एप्पल की स्थापना, 1976। अगला है अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट है 1975 और अमेज़ॉन है 1994, जो कि जेफ़ बेजोस की कंपनी है और जेफ़ बेजोस जो है दुनिया के टॉप अमीरों में से एक हैं। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखनी चाहिए। बाकी ट्विटर भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखिए ट्विटर के संस्थापक फाउंडर कौन हैं और इन्हें इनकी स्थापना ईयर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल हैं। सॉरी ये राज्यपाल थे, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी दास टंडन और इनका देहांत हो गया। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जुड़े कई सारे फैक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले तो नेशनल पार्क्स जो हैं बहुत सारी रिवीजन करेंगे ही। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी को झीलों की नगरी भी कहते हैं, ओके। चलिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका आपने सुना होगा, ये क्या है, यहाँ पे रॉक शेल्टर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भीमबेटका का रॉक शेल्टर कहाँ है। अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, प्लीज़ अगर आपने पहली बार देखा है तो नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। मैं फिर से बोल देता हूँ, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। एक जो छूट गया था वो था फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए तो मध्य प्रदेश हम लोग मैप में देखेंगे अभी, और ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसे भारत का हर्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच में स्थित है। इसकी बाउंड्री लगती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र और गुजरात, इन स्टेट से मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सातवीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा है। सेवेंथ टाइम ला लीगा गोल्डन बूट अवार्ड वन बाय, ये किसने जीता है, तो ये इनका नाम है लियोनल मेसी। और मैंने क्या बताया था, ला लीगा जो अवार्ड हो रहा था ये मैच, इसे जीता था रियल मैड्रिड ने, 34वीं बार इन्होंने जीता है रियल मैड्रिड। आपको रोज़ के करंट अफेयर्स देखने चाहिए, अगर आपने पिछले दिन के नहीं देखे हैं तो बहुत सारे लॉट ऑफ फैक्ट्स आपने ऑटोमेटिकली मिस कर दिए हैं, ठीक है, तो ज़रूर देखा कीजिए डेली के। तो लियोनल मेसी बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं, आपको ये पता भी होगा, और इन्हें एक तरीके से फुटबॉल का जादूगर कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये खेलते भी हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और नोवाक जोकोविच, तो ये किस किस खेल से संबंधित हैं ये आपको पता होना चाहिए। साइना नेहवाल बताइए, चलिए मैं लाइव देख रहा हूँ कितने लोगों के सही होते हैं, साइना नेहवाल के बारे में बताइए। पढ़ाई मन से नहीं हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने युवाओं में स्वैच्छिकता मतलब कि इंडिपेंडेंसी को कहते हैं ये, को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है।
तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग जितने भी वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्लीज़ अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट बना सकते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं ब्रिक्स, जिसमें भारत भी मेंबर है, BRICS। इसका होता है क्या होता है बताइए, बी से होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो ये भी है संघाई में ही, ओके। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन, जिससे ब्रिटेन अभी अलग हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर है सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम में। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, लंदन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला। नेक्स्ट है आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जकार्ता, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर है कहाँ पे है बताइए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रुसेल्स ही है, ओके। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का नाम आपने सुना होगा, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ओके। सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। आई होप आपके बहुत सारे फैक्ट रिवीजन हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करो। इंटरपोल, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है लायंस फ्रांस में, ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जेनेवा में, ठीक है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है कायरो, लीग ऑफ अरब स्टेट, इसका हेडक्वार्टर है कायरो में। अब आते हैं अगले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑफिसेज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में पूछा जाता है यूनिडो, यूनिडो का हेडक्वार्टर है वियना, प्लीज़ नोट कर लीजिए यूनिडो। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में, ओके। चलिए अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मतलब WWF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका है लुसाने स्विट्ज़रलैंड, ओके। यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, यूरोपीय कॉमन मार्केट का, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने लंदन देखा है, उसी तरीके से एक होता है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट, मतलब इसको अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो चोगम लिखते हैं, CHOGM, चोगम की हेडक्वार्टर है लंदन में। ओपेक, ओपेक कई बार पूछा जाता है, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्ट रिवीजन कराऊंगा तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओपेक जो है इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ओके, कॉमनवेल्थ का लंदन है। अब बात करेंगे हम लोग यूनिसेफ का, तो मैंने शायद यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको पेरिस बता दिया था, दरअसल वो पेरिस इज़ द रॉन्ग आंसर, वो किसी और चीज़ का हेडक्वार्टर है, ओके। तो पेरिस जो हेडक्वार्टर है वो है यूनेस्को का, ठीक है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यूनेस्को का पेरिस और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखिए फूड से रिलेटेड दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, कुछ बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ऐसे अगर कोई सजेशन हो आपके पास तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। भारत और किस देश की सेना के बीच पासिक्स एक्सरसाइज शुरू किया गया है, तो पासिक्स एक्सरसाइज ये क्या है, इसका नाम है पास एक्स। तो ये क्या है, देखिए ये पूरे वर्ल्ड नेविगेशन में जो समुद्र हैं, ओशियन हैं, बड़े बड़े सिप कमर्शियल सिप आते हैं, एक तरीके से इंडस्ट्रियल सिप आते जाते हैं, तो उनको अच्छे से एक तरीके से डोमिनेंट किसी भी देश के द्वारा वो पासेज ना हो, इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में ये पासेक्स एक्सरसाइज अभी चल रहा है सी में, ओके, सी साइड में, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो CBDT अग्रीमेंट विथ विच मिनिस्ट्री फॉर डाटा कोऑपरेशन, तो ये मिनिस्ट्री कौन है बताइए? ये है MSME मिनिस्ट्री, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है, MSME माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो है, इसके साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है डाटा साझा करने के लिए। तो आपको याद रखना है CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, ठीक है, और दूसरा होता है CBIC, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, VVI रट्टा मार लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया है, CBIT पहले था, अब ये CBIC कहलाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, और उसका क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। अब आते हैं द इंड गेम, बुक का नाम है द इंड गेम, बुक ऑथर तो ये है एस हुसैन जैदी, ठीक है, एस हुसैन जैदी। इसी तरीके से मैंने कल भी एक बुक का नाम लिखा था, आपको बताना चाहिए, देखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे रेगुलर मिलती रहती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए क्विज़ के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए। फीफा ने 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? फीफा 2022 वर्ल्ड कप अनाउंस्ड इन विच कंट्री, तो ये जो है ये होगा कतर में, कहाँ होगा, कतर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला अवार्ड अभी हाल ही में 18th ऑफ जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया गया है, आपको पता ही होगा, और इसी तरीके से 20 जुलाई को चेस डे मनाया गया, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है और रिवीजन कराता है। तो मेरे कहने का मतलब है नेल्सन मंडेला अवार्ड जिन्हें भी मिला है, अब उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और इनका नाम आपको दिख रहा होगा दोनों, मोरिशना कोविट और मारियाना वर्दिनाय निश, ठीक है, इन दोनों को नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 मिला है। भारत की पहली कोरोना वायरस इन ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस ह्यूमन ट्रायल स्टार्टेड इन विच एम्स, एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये एम्स पटना में, बहुत अच्छी बात है कि इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया एम्स पटना में ये शुरू किया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये पूछे जाएं। इसी तरीके से कुछ और भी है, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी से सबसे पहला इलाज जो शुरू किया था ये लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल ने शुरू किया था, और अब तो काफ़ी जगह ये सक्सेसफुल भी है। तो ICC के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, विच क्रिकेटर इज़ फर्स्ट टू ब्रीच ICC सलाइवा बैन? ये सलाइवा बैन है क्या? सलाइवा मतलब होता है जो आप थूक एक तरीके से जो रब करते हैं ना बॉल में, वो इस पे ICC ने बैन किया था, क्यों? क्योंकि इससे कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले डोम सिवली इन्होंने ब्रीच कर दिया है, और इनके बारे में कोई भी डिटेल आपको पता हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डोम सिवली, ठीक है। शाहिद अफरीदी ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, आपको पता ही है। रविंद्र जडेजा ये इंडियन प्लेयर हैं, और मैं तो क्रिकेट में बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ लेकिन आप लोग काफ़ी जानते हो। किस राज्य सरकार ने ट्रॉला सिर्फ और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है? तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने अपने हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो यह है उड़ीसा, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, गणेशीलाल वहाँ के गवर्नर। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की? विच कंट्री पार्लियामेंट बैंड सेम सेक्स मैरिज, सॉरी यहाँ होना चाहिए स्टार्टेड टू बैन सेम सेक्स मैरिज, तो ये रूस ने शुरू कर दी है, रूस ने सेम सेक्स मैरिज पे प्रतिबंध शुरू कर दिया है। और यहाँ रूस का आज मैंने यूरोपियन पार्ट आपके साथ रखा है, रूस दुनिया का एक ऐसा देश है जो दो महादेशों में फैला हुआ है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल वहाँ की करेंसी। अभी हाल ही में वहाँ के PM चुने गए हैं, उनका नाम है मिखाइल मिसुतसिन। और बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील तो ये है रशिया में, मतलब रूस में, ठीक है। और एक चीज़, एशिया और यूरोप को एक पर्वत अलग करती है, यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत जो है रशिया में ही पड़ती भी है, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग, ये यूरोप का मैप है,
और आपको पता ही है यूरोप के फ्रांस की बात हो तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यूरो यहाँ की करेंसी, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यूरो यहाँ की करेंसी, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। पोलैंड की राजधानी है वॉरसॉ, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, जहाँ पे हेडक्वार्टर है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। तो ये सब आपको याद होना चाहिए जनरल नॉलेज का, ये बहुत अच्छा फैक्ट कंपाइलेशन है। अब आज आपके लिए जो सवाल था वह मैंने सबसे पहले ही बताया था, जो मैंने कल पढ़ाया भी है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार मार्ग खोल दिया है, इंडिया ओपेंड अ न्यू रूट ऑफ ट्रेड बाय विच कंट्री, इसका मैंने आंसर भी कल बताया था। तो आपको जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगता है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।